नमस्कार। आजकल दो चीजें काफी फैशन में हैं, एक यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालना और एक डॉक्टरों को जमकर गाली देना। इसी सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो काफी वायरल हुआ जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर ने डॉक्टरों के बारे में बनाया। और क्योंकि मैं कुछ सर्जिकल एजुकेशनल वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालती रहती हूँ, तो मुझे भी कुछ मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि मैं भी एक वीडियो बनाऊँ और उनकी बातों का जवाब दूँ। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि है, और सोशल मीडिया पे नेगेटिव बात जो भी करता है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो ही जाता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि आजकल वैसे भी बहुत सारे कुछ वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट्स डॉक्टर्स के अगेंस्ट आते रहते हैं। उनमें से कुछ सच भी होते होंगे, कुछ डॉक्टर्स की गलती भी होती होगी, लेकिन आखिर हम डॉक्टर्स भी कुछ एक कन्वर्सेशन में एंगेज करें, अपनी भी बात रखें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा नाम डॉक्टर विदुषी है। मैं लगभग 12 साल से मैं कोटा राजस्थान में अपने हस्बैंड के साथ एक आई हॉस्पिटल चलाती हूँ। आरोप प्रत्यारोप की लिस्ट बहुत लंबी है। डॉक्टर्स पे आरोप लगता है कि उनके चार्जेस बहुत हाई हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि चार्जेस हाई इसलिए हैं क्योंकि हम अगर आप सब चीज़ों की कॉस्ट जोड़े, जैसे कि ज़मीन की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, महंगे मशीनरीज की कॉस्ट, उनके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की कॉस्ट, ट्रेन्ड स्टाफ टेक्नीशियंस और रनिंग कॉस्ट्स और अच्छे डॉक्टर्स को रखने की कॉस्ट, तो ये सब जोड़ के कॉस्ट आती हैं। और इन सब के बावजूद हमारे यहाँ इंडिया में कॉस्ट्स बाकी देशों की तुलना में काफ़ी कम है, इसीलिए बाहर से मरीज इंडिया में इलाज कराने आते हैं। इसी तरह आरोप लगते हैं कि कमीशनबाजी की। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि कमीशन बहुत कम परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स लेते हैं। किसी कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो ये बता सके कि कितने परसेंट डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं, लेकिन ये सब मानते हैं कि हाँ कुछ डॉक्टर्स लेते हैं। कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि कमीशनबाजी बहुत सारे फील्ड्स में है। इंश्योरेंस जैसे बिजनेस कमीशंस पे ही चलते हैं, होटल्स, एयरलाइंस, इन सब चीज़ों में भी कमीशन है। और अगर कुछ परसेंटेज डॉक्टर्स लेते हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों की लिस्ट बहुत लंबी है और ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है। वैसे तो अगर मैं भी एक जोशीला, तड़कीला, भड़कीला सा स्पीच दूं, जैसे कि पिछले दिनों आई थी, और मैं बोलूं कि नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विदुषी है और मैं आज आपके सामने मोटिवेशनल स्पीकर्स की पोल खोल के रख दूंगी कि ये किस तरह से लोगों के, गरीब लोगों को सपने बेचने का एक बिजनेस चलाते हैं, हवाई सपने बेचते हैं जिनमें कोई यथार्थ नहीं होता, उनके स्पीचेस से कोई लोग कुछ हासिल नहीं करते, उसका लाखों का खर्चा लेते हैं, तो ये एक अनप्रोडक्टिव सी एक्टिविटी है। और वैसे भी सनसनी फैलाने और जागरूकता फैलाने में बहुत फर्क होता है। जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मरीजों को भी और डॉक्टर्स को भी। तो सबसे पहले मैं मरीजों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कुछ भी अगर अनहोनी होती है किसी भी मरीज के साथ में, तो सीधा इस कंक्लूजन पे ना जंप करें कि कुछ ना कुछ डॉक्टरों ने ही गलती करी होगी। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अनहोनी होती है तो आपको अगर डाउट है कि कुछ गलत हुआ था, तो आप उस केस फाइल को किसी और डॉक्टर को दिखा लें, या अगर आपके परिवार में कोई और डॉक्टर हैं जो इन चीज़ों से के बारे में जानते हैं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे सेकेंड ओपिनियन लें। लेकिन बिना किसी कारण के, बिना किसी सबूत के इस तरह के कंक्लूजन्स पे जंप ना करें। और कंज्यूमर केसेस बहुत रोबस्ट हैं, और अगर आपको सच में लगता है कि आपके इलाज में कोई लापरवाही हुई है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट्स में या सिविल कोर्ट्स में या जैसे भी केस फाइल करें, दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन भी लें। और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के केसेस में आपकी हेल्प भी करते हैं, एनजीओज भी हेल्प करते हैं, लेकिन सीधा अपना एक जजमेंट ना पास करें और कम से कम तोड़ फोड़ में ना इंडल्ज करें। हर मेडिकल प्रोसीजर के, हर सर्जरी के और हर इलाज के आज भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। 100% सेफ कोई भी ऑपरेशन नहीं है। अभी दो दिन पहले मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे रिस्पॉन्सिबल अखबार में हेडलाइन छपी कि एक महिला की मौत 200% सेफ ऑपरेशन के कारण हुई। मैंने आज तक कभी किसी डॉक्टर को ऐसा कहते नहीं सुना कि कोई ऑपरेशन 200% सेफ हो, वो भी हार्ट का। सो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे नतीजे कभी कभी गलत हो सकते हैं, पर नतीजे गलत हुए इसलिए आप सबकी नियत पे उंगली ना उठाएं। दूसरा, आज के ज़माने में लगभग हर परिवार में या तो एक डॉक्टर होता है, फैमिली टर्म्स पे जानते हैं, उनसे अच्छी तरह से परिचित होते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी भी एक डॉक्टर को जिसको ट्रस्ट करते हों
उनको आप शुरू से ही पिक्चर में रखें, जैसे कि अगर आप कहीं इलाज कराते हैं तो आपके जो डॉक्टर जानने वाले हैं, जिन पर आपको भरोसा है, आप व्हाट्सएप पे और मेल के जरिए सारे डॉक्यूमेंट्स, केस पेपर्स उनको भेज सकते हैं, उनकी सलाह आप शुरू से ही ले लें, जिससे कि आपको डाउट की कोई गुंजाइश नहीं हो और आपको या तो वो आपके परिचित डॉक्टर रीअश्योर कर सकें कि आपका जो इलाज हो रहा है वो सही हो रहा है, या आपको बता सकें कि आपको यहाँ नहीं तो कहाँ इलाज करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जैसे आज से कुछ साल पहले तक हर परिवार में एक फैमिली डॉक्टर होता था, उस परंपरा को भी हम जारी रखें, जिससे कि आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हैं, आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड है कि हम MBBS डॉक्टर को डॉक्टर ही नहीं समझते, पर कम से कम छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप एक डॉक्टर, चाहे वो MBBS हो, उनको अपना फैमिली डॉक्टर बना के रखें, जिनसे जो आपके बारे में जानते हो, जिन्हें आपके परिवार के बारे में पता हो और जो आपको हमेशा किसी भी गंभीर इलाज के लिए सही जगह पर रेफर कर सकें, जिससे कि ये ट्रस्ट जो है वो बना रहे। साथ ही मैं डॉक्टर्स को और खासतौर से जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो अब आगे अपनी प्रैक्टिस जमाएंगे और उनको इन सब माहौल का सामना करना पड़ेगा, उनको भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि आज के युग में इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो डॉक्टर और मरीज के बीच में होती हैं वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण होती हैं, और यदि आप अच्छा कम्युनिकेशन कर सकें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। छोटा सा उदाहरण है, अगर आप किसी भी मरीज को किसी जांच के लिए भेजते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उनको मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी किसी उससे कमीशन वगैरह नहीं लेते हैं, तो आप उनको दो चार एड्रेसेस दे दीजिए, या आप अपनी क्लिनिक में कुछ टाइप करवा के, प्रिंट करवा के रख लीजिए, दो चार पांच लैब्स जो आसपास में हैं, या अपने स्टाफ को ही ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो जो आस पड़ोस में चार पांच लैब्स हैं उनके बारे में बता दें, जिससे कि आपके ऊपर कोई उंगली भी ना उठा सके कि आपने किसी एक पर्टिकुलर लैब में भेजा किसी कमीशन के चक्कर में। इसी तरह से मैं आंखों की डॉक्टर हूँ, बहुत सारे मरीज सरदर्द की शिकायत लेके आते हैं, और कभी कभी अगर आप उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं या CT स्कैन MRI आदि इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलते हैं, तो मैं उन्हें पहले ही बता देती हूँ कि भाई 99% आपको कुछ भी नहीं निकलेगा, और अगर ना निकले तो बहुत ही अच्छी बात है, पर 1% चांस है कि कोई सीरियस बीमारी हो, और अगर ऐसा हो तो वो पहले से टाइमली पता चल जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह के हम सबको एक, मैं अगर कहूँ तो, डिफेंसिव कम्युनिकेशन आज के माहौल में डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चलें कि अगला इंसान जो हमारे सामने बैठा है वो इस सारे नेगेटिव बातचीत से प्रभावित है, और वो भी हमें शक की निगाह से देख सकता है, तो हम पहले ही अपना कम्युनिकेशन इस तरह से करें जिससे कि शक की कोई गुंजाइश ना हो। इसी तरह से जब कोई मरीज बहुत सीरियस हो जाए या किसी को कोई अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो ये लाजमी है कि जो भी सीनियर कंसल्टेंट है उस हॉस्पिटल में, वो ज़रूर मरीज के परिवार से, अटेंडेंट से बात करें। मैं फिर अगर अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूँ, तो जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मुझे इस बात से तकलीफ नहीं थी कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। एज अ डॉक्टर मैं समझ सकती हूँ कि कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं या बीमारियाँ सब हमारे कंट्रोल में नहीं है वगैरह, लेकिन इस बात की बहुत तकलीफ होती है कि जैसे ही बड़े हॉस्पिटल्स में कोई मरीज सीरियस होते हैं तो वो ICU में शिफ्ट हो जाते हैं, ICU में ड्यूटीज़ बदलती रहती हैं, और कोई भी एक डॉक्टर ना तो जिम्मेदार होता है ना कोई जिम्मेदारी से बात करता है। हॉस्पिटल्स को भी ऐसे में प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे लोग बात करना चाहते हैं, इतने सारे अटेंडेंट्स ICU के बाहर खड़े रहना चाहते हैं, डॉक्टर के बाहर निकलते ही उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे टाइम्स के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि कोई उनको कम्युनिकेट कर सके, बता सके कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, और आगे वो क्या कर सकते हैं। और ऐसे में जब लोग रूडली बिहेव करते हैं, या चाहे भले ICU में लिखा हो कि हम सेकंड ओपिनियन इनकरेज करते हैं, लेकिन आपको टेस्ट की रिपोर्ट्स देने में भी लोग, हॉस्पिटल स्टाफ आनाकानी करता है, रूड बिहेवियर करता है, वो भी ऐसे समय पे, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, और ऐसे में ही लोगों को गुस्सा आना शुरू होता है। तो मैं डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी इतना सब इन्वेस्ट करते हैं अपने इलाज के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने प्रोसीजर्स के लिए, साथ में साथ कुछ ये इन्वेस्ट करें कि ICU के जो मरीज हैं, जो बहुत बेहद गंभीर हैं, उनके अटेंडेंट्स को समझाने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए, और उनको भी एक तरह से पैसिफाइड रखने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम ज़रूर इवॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होता नहीं है, और उस वक्त बहुत सारे डॉक्टर्स बात नहीं करना चाहते,
या उन्हें लगता है शायद वो आज के माहौल में इसी बात से घबराते हैं कि अगर वो बात करेंगे तो अटेंडेंट्स उनके ऊपर एग्रेसिव हो जाएंगे, इसलिए वो बात करना अवॉइड करते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो उस समय में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर साथ ही मैं डॉक्टर्स से सबसे अपील करना चाहती हूँ कि जो भी डॉक्टर्स इस तरह के कमीशंस में इंडल्ज करते हैं वो प्लीज़ इस प्रैक्टिस को बंद कर दें। सवाल ये नहीं है कि बाकी प्रोफेशंस में ऐसा होता है या नहीं होता है, सवाल ये है कि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती या नहीं कर सकती कि जो डॉक्टर्स हैं वो पैथोलॉजी लैब से या रेडियोलॉजी जो सीटी, एमआरआई, एक्सरे आदि से कमीशंस लें। और जब ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसमें राइट रॉन्ग का सवाल नहीं है। जो अनएक्सेप्टेबल है वो अनएक्सेप्टेबल है, और आप इस तरह के प्रैक्टिस में इंडल्ज ना करें, क्योंकि इससे सारे मेडिकल प्रोफेशन का नाम खराब होता है। हो सकता है कि आप ये भी दलील दें कि अगर ये कमीशंस बंद हो जाते हैं तो भी कोई जो सीटी, एमआरआई या पैथोलॉजी टेस्ट की जो कॉस्ट्स हैं वो कम नहीं होंगी। ऐसा भी है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे प्राइवेट पेशेंट्स के लिए अलग चार्जेस हैं और फ्री पेशेंट्स के लिए अलग चार्जेस हैं, तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट देखें तो सरकारी प्राइवेट चार्जेस और जो एक मध्यम दर्जे का प्राइवेट लैब है उनके चार्जेस लगभग बराबर हैं। लेकिन अपने जिद के आगे एक अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा ना दें। और मेरे ख्याल से इस कट कमीशन की प्रैक्टिस ने डॉक्टरी पेशे में काफ़ी एक इमेज को ख़राब किया है, तो इससे तो हमें दूर रहना ही चाहिए। ये मेरी सारे यंग डॉक्टर्स को एक तरह से अपील है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर प्रोफेशन। इसके अलावा ये तो मैं नहीं मानती कि कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को जानबूझ के कोई गलत सलाह देते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप जो भी मरीज के बेस्ट इंटरेस्ट में सलाह हो वो ही हमेशा दें। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक आई डॉक्टर हूँ, और कई बार हम जो आई में जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है मोतियाबिंद, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो अगर आप मरीज को एक बार ये बोल दें कि उनको मोतियाबिंद है और उसके ऑपरेशन के लिए कोई इमरजेंसी नहीं है, वो अपनी सुविधा के अनुसार जब उनको कंफर्टेबल हो तब उसको ऑपरेशन करा सकते हैं, तो इस तरह के बात से मरीजों का विश्वास भी बढ़ता है, आपकी एक इमेज भी साफ होती है। और फिर कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि बहुत उनका जो प्रोग्नोसिस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, और आपको पता है कि ये ऑपरेशन करने से मरीज को तकलीफ भी होगी, खर्चा भी होगा, बहुत ज़्यादा फायदे की उम्मीद नहीं भी है। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए कि अगर मैं फिर से आई का एग्जाम्पल लूँ, तो कई बार रेटिनल अटैचमेंट है, 2 साल पुराना है, हमें पता है कि अगर ऑपरेशन करेंगे और डॉक्टर पूरी मेहनत करेगा, पैसा भी खर्चा होगा, लेकिन और मान लीजिए पर्दा सेटल हो भी जाए तो भी बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं हो पाता। तो ऐसे में हमेशा मरीज को सही पिक्चर दें कि उनका जो रिजल्ट है उस बहुत अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, और अगर वो चाहें तो ऐसे केसेस में ज़रूर उनको सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए इनक्रेज करें। इन चीज़ों से भी जो एक ट्रस्ट जो बिगड़ता जा रहा है उसको वापस लाने में हेल्प मिलती है। अब समय आ गया है कि जो कुछ हमारे यहाँ पे ब्लैक शीप हैं, मान लीजिए कुछ डॉक्टर्स अगर भ्रूण जांच कर रहे हैं, जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं और ये गैर कानूनी है, या जो लोग ऑर्गन वगैरह के बारे में कुछ आइसोलेटेड केसेस ऐसे होते हैं, इन प्रैक्टिसेस को हम खुद भी डिस्करेज करें और एक एक्टिव इनके अगेंस्ट कदम उठाएं कि हमारे समाज में, हम डॉक्टर्स के समाज में ये चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तभी हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे कि हम खुद भी जो चाहे भले बहुत छोटी परसेंटेज हो ऐसे लोगों की, लेकिन हम उन चीज़ों को और इन गलत प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार हैं, और हम खुद चाहते हैं कि ये प्रैक्टिसेस खत्म। काफ़ी जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है वो है फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टर्स के बीच की रिलेशनशिप। अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग आज के ज़माने में इनेविटेबल है, हर प्रोफेशन में मार्केटिंग होती है, लेकिन वो मार्केटिंग जब तक इतनी हो कि फार्मा कंपनीज या जो ड्रग वाली कंपनीज हैं या जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताती हैं, या किसी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके अपने जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में अपने अपने लोग स्टॉल्स लगाते हैं, उनको एडवर्टाइज करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको पर्सनल फेवर्स नहीं लें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो डॉक्टर्स हैं या जो खासतौर से वेल एस्टैब्लिश डॉक्टर्स हैं उनके पर्सनल कामों में भी जो फार्मा इंडस्ट्री का रोल है वो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है और वो नहीं होना चाहिए।
लेकिन जहाँ तक कि फार्मा इंडस्ट्री अपने डॉक्टर्स की बॉडीज को अपने उत्पादों के बारे में बताती है, सिर्फ वहीं तक वो मार्केटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और जनरल कंसर्न्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर की जो मेडिकल केयर की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, ये सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक प्रॉब्लम है। अमेरिका जैसे फाइनेंशियली पावरफुल देश में जहाँ के सारे मेडिकल इलाज ईजाद होते हैं, वहाँ भी मेडिकल खर्चे को लेके पॉलिटिक्स भी है। हम जो सब लोग जानकारी रखते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ के इलेक्शंस में भी ये मुद्दा बहुत हावी है, ओबामा केयर बहुत हावी था। इसके अलावा कुछ जो मेडिकल साइंस में बदलती गाइडलाइंस हैं, कुछ सर्जरीज को कभी बढ़ावा मिलता है कि ये सर्जरी किसी बीमारी के लिए अच्छी है, कुछ सालों के बाद में नया रिसर्च आता है वो कहता है कि नहीं ये सर्जरी जो है इसको नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें विश्वव्यापी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा कई बार हम कहते हैं कि आजकल जैसे फॉर एग्जांपल सिजेरियन का रेट बढ़ता जा रहा है, सिजेरियन ज़्यादा होते रहते हैं, या छोटी हार्ट की बीमारियों में एंजियोप्लास्टी वगैरह ज़्यादा होती हैं। पर हमें यह भी समझना होगा कि जैसे जैसे मेडिकल केयर बढ़िया होती जाती है, लोग चांसेस नहीं लेना चाहते और लोग जो भी उन्हें सेफेस्ट लगता है उस माहौल में वो करना चाहते हैं। प्लस इसके और भी तरीके हैं, हर हॉस्पिटल में ऑडिट्स किए जाएं, जैसा कि अब सरकारें कुछ रूल्स भी ला रही हैं कि हर हॉस्पिटल में ऑडिट्स किए जाएं, लेकिन इसमें सनसनीखेज बातों की कोई जगह नहीं है। ये जो एक राइजिंग ट्रेंड है इंटरवेंशन का, ये सब लोग जानते हैं, हो सकते हैं कि आज से कई साल पहले लोगों को मोतियाबिंद बहुत लेट होता था या होता था तो वो ऑपरेशन भी बहुत लेट कराते थे। आज एक शुरुआती मोतियाबिंद में लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, हमें ड्राइव करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें ऑपरेशन कराना है। तो ये तो लाइफस्टाइल के साथ बदलती चीज़ें हैं, इसमें से कुछ चेंजेस आना लाजमी है। कुछ अगर लगता है कि गलत हो रहा है तो उसके लिए ऑडिट्स करें, जिससे कि ये क्लियरली पता हो कि हाँ भाई क्या राइजिंग ट्रेंड है, कितना उसमें से आवश्यक है या कितना कट डाउन किया जा सकता है। इसके अलावा जो ये हम सबको समझने की ज़रूरत है कि जो भी फार्मा इंडस्ट्री, जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर कोई नया दवा बनती है तो वो दवा में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं उसका रिसर्च करने में, रिसर्च लैब बनाई जाती है, बहुत सारी डेडिकेटेड और क्वालिफाइड लोग उस पर काम करते हैं। अगर 10 मॉलिक्यूल्स एक रिसर्च लैब में वो बना रहे हैं तो उनमें से कोई एक ही फाइनली ड्रग ट्रायल्स और अप्रूवल्स के बाद में मार्केट में उतर पाता है। तो जब इतना सारा पैसा एक दवाई बनाने में लगता है तो नेचुरली ये जो है ये सब बिजनेस हाउसेज हैं तो वो अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। वो मार्केटिंग सिर्फ डॉक्टर से नहीं कर रहे, आजकल हम देखते हैं कि ड्रग कंपनीज फिल्म स्टार्स को भी एडवर्टाइजमेंट कराती हैं, अपने फुल पेज उनके न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट सब छपते हैं सुपर स्टार्स के साथ में। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं या इक्विपमेंट मेकिंग कंपनीज हैं वो एक्चुअली बिजनेस हाउसेज हैं और वो किसी ना किसी तरीके से मार्केटिंग तो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेडिकल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है तो ये हमारे लिए कोई चिंता का कारण नहीं है। उसका जो तरीका है वो सिर्फ इतना है, चाहे वो हेल्थ केयर हो या एजुकेशन हो, ये किसी भी देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारी सरकारों की और हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम सरकारी सेक्टर में अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अच्छी शिक्षा सब लोगों को प्रोवाइड करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो ये है कि सरकारें अपने हाथ इन चीज़ों से खींचती जा रही हैं। हमारा जो सरकार जीडीपी की जो परसेंटेज हेल्थ केयर पे खर्च करती है वो दुनिया में बहुत ही कम है, तो ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। और अगर एक अच्छी सरकारी सिस्टम की फैसिलिटी अवेलेबल हो लोगों के चिकित्सा और शिक्षा के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा महंगे इलाज के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया भर के देशों में जहाँ पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन अच्छा है वही समाज अच्छा आगे कर पाते हैं। और इसके लिए हमें, और आज भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा इलाज मिलता है, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, और हमें भी ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इलाज हमारे को सरकारी सिस्टम में अवेलेबल है तो हम उसका लाभ उठाएं, हर चीज़ के लिए 5-स्टार फैसिलिटीज़ में ना जाएं। और हर शहर के नागरिक भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो उनके शहर में सरकारी फैसिलिटीज़ हैं उनके प्रति सरकारें सचेत रहें, उनको अच्छा डेवलप करें। इतना लंबा वीडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी को लेक्चर नहीं देना चाहती, लेकिन एज अ डॉक्टर मुझे भी काफ़ी दुख होता है जब इस तरह की न्यूज़ इतनी ज़्यादा छपती हैं और उसमें मिर्च मसाला लगाकर उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे मरीजों को जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं कि उनको कोई ठीक से समझाता नहीं है या उनका बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है जो
जहाँ पे कि प्रोग्नोसिस अच्छा भी नहीं था. ये सब बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं मरीजों की भी, और इन सब चीज़ों के लिए हम सबको एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी, जिससे कि मेडिकल प्रोफेशन की गरिमा बनाई जा रखी जा सके और आगे आने वाले समय में भी अच्छे लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ने के लिए तत्पर रहें. थैंक यू.